जब जब भी बात होती है हमारे साथ, अब संजय सिन्हा जुड़ा है, क्या कह रहे हैं, जब जब भी बातें होती है ना, 50,000 एक लाख उसके पहले नीचे कितना जाता है उसकी बात कोई नहीं करता। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब क्या कर रहे हैं आप, अब इन दिनों मार्केट कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बजट के बाद जो तेजी शुरू हुई थी उसके जो तीन मुख्य कारण थे, एक तो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक रिवाइवल पर विश्वास का बढ़ना और उस ग्रोथ का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बाकी इकोनॉमी से ज़्यादा तेजी से बढ़ना अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था। लेकिन जो दो दूसरे फैक्टर्स थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा पिछले कुछ महीनों में। एक तो रहा कि जो जून की तिमाही के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, कुछ कुछ सेक्टर्स ने भले डिसअपॉइंट किया हो लेकिन अधिकांश सेक्टर्स और कंपनीज ने हमें आशा जगाई कि शायद फाइनेंशियल ईयर 2017 में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो डबल डिजिट की तरफ जा सकती हैं। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था वो था लिक्विडिटी का। ब्रेग्जिट के बैकग्राउंड में ये डर था कि लिक्विडिटी भारत से बाहर जाने लगेगी, इमर्जिंग मार्केट्स से बाहर जाने लगेगी। उसके विपरीत जो हुआ वो हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। FII के फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़े और भारत में तो और भी आए। तो मुझे लगता है ये चूंकि तीनों फैक्टर्स अब काफी हद तक प्ले कर गए हैं, किसी भी मैराथन में थोड़ी बहुत सुस्ताने की जरूरत पड़ती है। बाजार एक स्टेज पे पहुंच गया है जहां इन सारे फैक्टर्स को वो अपने लेवल्स में डिस्काउंट करेगा और अगले सेट ऑफ फैक्टर्स के लिए वेट करेगा। हमारे ख्याल से हम उस पड़ाव पे हैं आज। आगे के जो कुछ महीने हैं कैलेंडर ईयर 2016 के, फाइनेंशियल ईयर 2017 के, उसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो रहेगा मार्केट की अर्निंग्स कितनी होगी। और मुझे लगता है कि ये अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन जो डबल डिजिट की है, पिछले दो साल के डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स के बाद अगर ये डबल डिजिट में पहुंचता है, ये 12-15% की भी ग्रोथ अर्निंग्स में रहती है तो मार्केट 18-20 की डिस्काउंटिंग उसको देगा, क्योंकि आगे की अर्निंग्स की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा, पिछले तीन महीनों में हमने देखा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का झुकाव मार्केट के प्रति कम रहा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज्यादा रहा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मार्केट का इस कंसोलिडेशन के फेज में अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ करेक्शन होता है तो वो डोमेस्टिक पैसा जो साइडलाइन में बैठा हुआ है वो और तेजी से बाजार में आएगा। तो लिक्विडिटी एंड वैल्यूएशन, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बाजार को बहुत तेजी से ड्राइव करेंगे। एंड एक तो इवेंट है हमारे बिल्कुल नजदीक, वो है कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन होंगे और उनसे रिलेटेड बाजार की अटकलें फिर से बनने लगेगी कि उनकी पॉलिसीज कैसी रहेगी और हमारी इंटरेस्ट रेट के प्रति आउटलुक कैसे रहेगी। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों फैक्टर्स जो हो गए, लिक्विडिटी, वैल्यूएशंस एंड इवेंट्स, इनका ही प्रभाव रहेगा एक कंसोलिडेशन के फेज के बाद। ओके, मैं इसी लिक्विडिटी पे अगला प्रश्न पूछूंगा आपसे, आई मीन संजय जी, लेकिन उससे पहले भसीन साहब, कुछ स्टॉक्स, आई मीन देखिए 15 अगस्त बेहद नजदीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आप आजादी के फ्लेवर स्टोर के देख सकते हैं। आई मीन ठीक है, आज 800 रुपए का है, 700 रुपए भी, इट्स अ विन विन सिचुएशन, यू आर गेटिंग अ परफेक्ट वैल्यूएशन, यू गेटिंग अ परफेक्ट स्टॉक विद अ परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कुछ स्टॉक्स जो आपके जहन में आते हैं, ठीक है आपका आउटलुक 2200 का होगा नो डाउट, लेकिन गिरावट उनमें खरीदारी का एक अच्छा मौका होगी, डिसेंट स्टॉक्स कुछ आपके जहन में आते हैं? हाँ वीरेंद्र, तीन नाम लूंगा। एक आप ही के चैनल पे लिया हुआ है 290 पे गोदरेज प्रॉपर्टी, अब 365 का भाव है, यस्टरडे हिट अ ऑल टाइम हाई और साथ में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। इट इज टेलिंग यू दैट द रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो हमारे हिसाब से अगले दो साल के लिए सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होएगा, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। एग्जीक्यूशन, पीडिग्री मैनेजमेंट एंड कम्फर्ट इन नंबर्स, स्टॉक का भाव 450 रुपये होना चाहिए इन द नेक्स्ट वन ईयर। दूसरा है रैलीज इंडिया, हाउस ऑफ टाटाज अंडर परफॉर्म्ड ऑन द एग्रोकेमिकल साइड बिकॉज ऑफ वीक मानसून और अब जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो फार हेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट था। 165-175 हमारा आपके यहाँ रिकमेंडेशन था लेकिन अब हमने अप कर दिया टारगेट फ्रॉम 210 टू 275। बेस्ट प्ले ऑन एग्रोकेमिकल, लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द पेस्टिसाइड मार्केट एंड विद अ रोबस्ट मानसून दे शुड बी एन आउट परफॉर्मर। और तीसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन द OEM ऑन द टू व्हीलर ऑटो सेक्टर और इट हैज शोन स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑन द अपसाइड, हैज आउटबीट
outbeaten all other industry parameters on the ratios. और हमें लगता है इस क्वार्टरली और आगे के दो क्वार्टर में भी मार्केट से बेटर इसके रिजल्ट्स आएंगे. 250 रुपए का पर्सपेक्टिव है इसका, 250 रुपए का टारगेट है इन द नेक्स्ट वन ईयर. इंटरेस्टिंग पिक्स हैं आपकी काफी. संजय, जैसे आपने कहा कि यू नो मार्केट एक थोड़ा ब्रीदर ले रहा है यहाँ पे, एंड मे बी राइटली सो, लेकिन ये जो अभी संजीव ने कहा कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा स्लाइड होके 8200 तक भी जा सकता है, आप डू यू अग्री विद दैट व्यू? देखिए, इतना ज्यादा स्लाइड करेगा मार्केट मेरी उम्मीद में शायद इतना ना हो, क्योंकि जिस तरह की रैली हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद अगर छोटा भी करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से बाजार में खरीदारी आ जाएगी. लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमको जाना है उस लेवल्स पे, तो क्या सिर्फ मार्केट अपने भार पे उतने लेवल पर चला जाएगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो उसको ट्रिगर करेंगे. मुझे लगता है कि अगर कुछ इवेंट्स नहीं हुए तो ऑन इट्स ओन वेट बाजार शायद उस लेवल तक ना जाए. और अभी जो फोर्सिएबल सेट ऑफ इवेंट्स हैं उसमें ऐसा कुछ नेगेटिव इतना बड़ा इवेंट दिख नहीं रहा है. देखिए संजय जी, अभी कुछ देर पहले जब आप लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, ग्लोबल लिक्विडिटी और वर्ल्ड ओवर जो सेंट्रल बैंक्स की अप्रोच रही है, और यूएस फेड का ऑलमोस्ट अब अक्टूबर का समय आ चुका है, उनके व्यूज को देखते हुए, उनके रुख को देखते हुए, आपको लगता है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसने दी है इंडियन मार्केट्स को, उसके ड्राई होने के कोई संकेत मिल रहे हैं, कोई चांसेस लग रहे हैं आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, भारत के प्रति ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच है वो पहले से बदल गया है. और जैसे जैसे और क्वार्टर्स पास होंगे, हमारे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना है. अब तक भारत में जो भी निवेश आता है वो बहुत कम ऐसा होता है जो सिर्फ भारत के लिए आता है, वो इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में जो भारत का वेट रहता है उस वेट के अनुरूप आता है. लेकिन चूंकि अब हमारी मार्केट कैप भी 1,00,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज में अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी अब नहीं है जो भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के बराबर की ग्रोथ दिखा रही है. और जो सरकार ने हाल के दिनों में जो कदम उठाए, मेरे ख्याल से जीएसटी का पास होना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव रूप में लिया गया है. कुछ और भी जो कदम लिए जा रहे हैं सरकार के 2 साल के लेजिस्लेटिव लॉकजैम के बाद, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि अब संभव है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया एज एन एसेट क्लास हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट से अलग देखा जाए, और जहां ग्लोबल स्लोडाउन है उस बैकग्राउंड में भारत के तरफ पैसे आने की संभावना मेरे ख्याल से ज्यादा है. बिल्कुल, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लेते हैं. अभी ऑलमोस्ट 7.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है साहिल, 7.5% नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट 148 को ब्रीच करते हुए बार बार, क्या करना चाहिए? देखिए, जो रिजल्ट इम्पैक्ट है उसके लिए मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर कुछ बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए. हमारा एनालिस्ट का ये सुझाव है कि रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं, 144-145 के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल के लेवल से तकरीबन 10% होंगे. वहाँ पे आने के बाद एक फिर से निर्णय लिया जाएगा कि इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए नहीं, बट मेरे ख्याल से हमें दूसरे PSU बैंक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे PNB और SBI. शुक्र साहिल, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पर स्टॉक्स पर आ रखी है आपने. बाजार ने अगर आप देखें ऐसा कन्फ्यूजिया दिया है कि करीब अब 3 अंकों पर आ गया है. डेटा कुछ कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत कुछ कहते हैं, इंडस्ट्रीज कुछ कर रहे हैं क्रिटिकल लेवल्स को ब्रीच करके, मंदी की पॉसिबिलिटी, लेकिन मंदी काम नहीं कर रही है. कुछ स्टॉक्स जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हैमरिंग के साथ कारोबार कर रहे हैं, उसमें BOB, उसके बाद सन फार्मा 791 डेलो, और येस बैंक जिस पर सबसे अच्छी खबर थी 15 रुपये नीचे, एंड जी इंटरटेनमेंट लगभग 8 रुपये नीचे. कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, लेकिन इस बीच हीरो मोटरकॉर्प अगर आप देखें 42 रुपये पर बड़ा, अगर आप देखें तो एक बड़े हिस्से ने यहाँ पे हाथ बदला है. रिलायंस ये 1000 को होल्ड करता हुआ, और एक अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 37-47 रुपये ऊपर 3776 के स्तर पर. सिन्हा साहब, ये आपकी सीमेंट पर अप्रोच क्या रहेगी सर? अब दिक्कत ये है ना कि इतना रिस्की लगता है कि पूछिए मत. एक बात तो वो एक बंदा वो जो पैसा कमा के बैठा है, अब देखिए ना अल्ट्राटेक सीमेंट फरवरी में जो स्टॉक लगभग